हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का 28 सितंबर को जो न्यू कोर्स का बोर्ड ने जो पेपर कंडक्ट किया था कैरी आउट, तो उसी का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो सिलेबस है वो न्यू कोर्स का ही है जो हमारे 2022 की बोर्ड एग्जाम होगी फेब मार्च में, तो उसी कोर्स का लास्ट ईयर जैसे रिडक्शन हुआ था सिलेबस में, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है एंड पेपर पैटर्न भी सेम रहने वाला है 2022 की एग्जाम में भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड री राइट द सेंटेंसेस, एंड सेंटेंसेस को री राइट करना है। तो यहाँ पर ये जो रेड में हाईलाइटेड पोर्शन है दैट इज द आंसर, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। तो द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू समवन एल्स को जब बिजनेस फंक्शन कैरी आउट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग। नाउ सेकेंड वन इज द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज डैश, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वहां का डिस्ट्रिक्ट का जो जज होता है दैट जज इज द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। देन डैश इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसे माना जाता है, तो हाईलाइटेड पोर्शन जो रेड कलर है दैट इज आंसर। तो आपको भी आपके आंसर को प्रेजेंट इस तरीके से करना है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं लेकिन ये ऑप्शन आप लोगों को लिखने नहीं है, आपको करेक्ट आंसर लिखकर आपका सेंटेंस जो है रीराइट करना है इस प्रकार से, ओनली आपको दिस ये जो आंसर 3 हेनरी फेयोल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बस इतना ही लिखना है आपको, ये ए बी एंड सी ऑप्शन नहीं प्रेजेंट करने हैं। देन फोर्थ वन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, जब हम इंडेमिनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी जो है, यहाँ पर डैश आपको प्रिंसिपल बताना है कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं है, इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। हम सभी जानते हैं लाइफ को हम मेजर नहीं कर सकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनवैल्यूएबल होती है लाइफ, तो उसका लॉस जो है वो इरिकवरेबल है, राइट। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी है ये लाइफ इंश्योरेंस को के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज द करेक्ट आपका ऑप्शन। तो आपको रीराइट कर सेंटेंस लिखना है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। देन फिफ्थ वन, इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट, आज का जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है हम सब जानते हैं कि जो कंज्यूमर होता है वो किंग होता है मार्केट का, तो यहाँ पे कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग, तो ये जो हाईलाइटेड है रेड कलर किंग, दिस विल बी द आंसर। तो आपको इसी तरीके से कंप्लीट सेंटेंस लिखना है कि इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज किंग। देन सेकेंड पार्ट जो है बी क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है बी, इसमें हमको बोला है कि मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर हमें मैच द फॉलोइंग लिखना है, सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ पर बाय मिस्टेकली मार्च आ गया, अभी इसकी मैच द फॉलोइंग, तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में से आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो यहाँ पर डायरेक्टिंग के लिए आपको करेक्ट आंसर यहाँ से ढूंढना है, तो डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। बाकी सब आप ऑप्शंस देखोगे, जॉब सिक्योरिटी इसमें नहीं आता, यूज ऑफ डिजिटल मीडिया नहीं, इंटेंजिबल इन नेचर नहीं, एग्जिस्टिंग ऑनलाइन साइबर स्पेस नहीं आएगा, यूज ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया नहीं आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग प्लेसिंग एंड रेम्यूनरेटिंग यहाँ पे नहीं फिक्स होता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्टिंग है उसका आंसर जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना एंड मोटिवेट करना है। तो दिस विल बी द जो थर्ड ऑप्शन यहां पर ग्रुप ए में जो थर्ड है, दिस विल बी द आंसर। और इसके आंसर की मैं आपको दे रही हूं नीचे बिलो, हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर बिजनेस सर्विसेज, तो बिजनेस सर्विसेज जो है, जो सर्विसेज रिसीव होते हैं वो इनटैंजिबल इन नेचर होता है, उसका जो नेचर है सर्विसेज का वो इनटैंजिबल इन नेचर है। देन डिजिटल कैश, तो डिजिटल कैश जो है, ये डिजिटल कैश जस्ट आपको साइबर स्पेस में दिखाई देता है, इसका जो एग्जिस्टेंस होता है एग्जिस्ट ओनली इन द साइबर स्पेस। देन द फोर्थ वन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, D1 रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, तो बिजनेस का टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तो बिजनेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि उनको उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपरली रिसीव होते जाए।
देन डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो इसमें जो यूज ऑफ डिजिटल मीडिया, यहाँ पर हम डिजिटल मीडिया का यूज करते हैं, तो यहाँ ये सारे जो आंसर्स है, दीज आर द आंसर्स फॉर बी क्वेश्चन जो हमारा कि डायरेक्टिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग बिजनेस सर्विसेज। इसी तरीके से आपको आपका आंसर प्रेजेंट करना है, बिजनेस सर्विसेज इंटेंजिबल इन नेचर, डिजिटल कैश एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज द यूज ऑफ डिजिटल मीडिया। तो आपका आंसर प्रेजेंटेशन इसी प्रकार से होना चाहिए, बोर्ड ने आपसे एक्सपेक्टेशन इस तरीके से रखी, आप यहाँ से क्रॉस कर कर मैच नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, उसमें बोला है कि भाई राइट अ वर्ड, आपको एक वर्ड देना है, नहीं तो फ्रेज देना है या टर्म देना है, विच कैन सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए जो भी हम अप्रोप्रिएट करेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एज अ वर्ड या फ्रेज या टर्म, वो हमें लिखना है। तो प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, तो कहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज बॉट किए जाते हैं, मतलब परचेस किए जाते हैं एंड सोल्ड किए जाते हैं, तो मार्केट में। तो यहाँ पर जो राइट टर्म है ऑब्वियसली सभी जानते हैं, ये कॉमन आंसर हो गया एकदम कि मार्केट। देन सेकेंड वन, अ पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड इनोवेटर हु इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो नया कॉम्बिनेशन जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का वो लेकर आता है, इनोवेटर होता है एंड सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, तो वह ऑन्ट्रप्रनोर होता है। कौन होता है? ऑन्ट्रप्रनोर, ऑन्ट्रप्रनोर यहाँ पे आंसर आएगा। देन यहाँ नेक्स्ट इज वेयर हाउस इन विच पेरिशेबल, जो पेरिशेबल गुड्स आर स्टोर्ड, पेरिशेबल जो जल्दी खराब हो जाते हैं उन गुड्स को हम कहाँ पर, कौन से वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, तो ये कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने से डैमेज नहीं होते हैं, कोल्ड स्टोरेज में जब हम स्टोर करते हैं तो वो डैमेज नहीं होते, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपका आंसर कोल्ड स्टोरेज। देन नेक्स्ट वन यहाँ पर है, द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कौन सा स्टेप होता है, तो वो जो है आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में सबसे फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन। देन फिफ्थ वन, अर्निंग फॉरिन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स दिस ग्रुप, तो फॉरिन एक्सचेंज अर्न करना वो किसके टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो है फॉरिन करेंसीज के रिजर्व होना जरूरी है, हमारी आरबीआई मेंटेन करती है। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी स्टडी किया है कि आरबीआई को फॉरिन करेंसी एज वेल एज गोल्ड जो है एज अ रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज मैंडेटरी, कंपल्सरी होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर डी, तो क्वेश्चन नंबर डी में यहाँ पर हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर डी में आता है, तो यहाँ पर जो फाइव माफ कीजिएगा, फाइंड एंड राइट द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग, जो नीचे दिए हुए हैं ऑड वन आपको लिखने हैं, राइट द ऑड वन, डबल बार टाइप हो गया है भाई, राइट द ऑड वन एक ही बार, फाइंड एंड राइट द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एंडोमेंट जो पॉलिसी है, एंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, ब्लैंकेट पॉलिसी, तो यहाँ पर जो येलो पोर्शन में दिया हुआ है ब्लैंकेट पॉलिसी जो है वो मरीन इंश्योरेंस के अंडर में, वो मरीन इंश्योरेंस के अंडर में हम लिखते हैं, ये एंडोमेंट टाइप ऑफ जो पॉलिसीज है रिसीव होते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस के अंडर में जो कवरअप होते हैं वो एंडोमेंट पॉलिसीज होता है, होल लाइफ पॉलिसी का कवर होता है एंड जो है मनी बैक पॉलिसी का होता है, तो आपको यहाँ पर जो ऑड वन है वो ब्लैंकेट पॉलिसी है, क्योंकि ब्लैंकेट पॉलिसी जो है वो मरीन इंश्योरेंस के अंडर में आता है, मरीन इंश्योरेंस में हम टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस में ब्लैंकेट पॉलिसी हमें रिसीव होती है। देन जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी सर्विसेज, देन रीजनेबल प्रॉफिट, गुड वर्किंग कंडीशन, तो यहाँ पर जो जॉब सिक्योरिटी वो एम्प्लॉयज को दी जाती है, ये जो बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स एम्प्लॉयज उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, देन गुड वर्किंग कंडीशन, ये सारे के सारे एम्प्लॉयज के टूवर्ड्स जो है बिजनेस यूनिट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। रीजनेबल प्रॉफिट है ये इसमें फिट नहीं होता, तो रीजनेबल प्रॉफिट विल बी द ऑड वन आउट, तो आपको खाली आंसर है ना सेपरेटली ऐसे करके लिखना है कि ब्लैंकेट पॉलिसी इज द ऑड आंसर आपका हो गया, आपको ये सारा नहीं लिखना है, खाली आपको हाइलाइटेड पोर्शन आपको एज अ आंसर लिखना है। आंसर वन डी का, आंसर वन ब्लैंकेट पॉलिसी, जी का आंसर टू रीजनेबल प्रॉफिट, थर्ड वन
जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, एनजीओ एंड नेशनल कमीशन। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, ये सब जो कंज्यूमर्स का रिड्रेसल, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स है। एंड जो एनजीओ है वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ, वो सेपरेट आता है, वो इसके रिड्रेसल के इसके अंडर में नहीं आता है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम के अंडर में नहीं आता, तो एनजीओ ऑड वन आउट होगा। देन फोर्थ वन, सिलेक्टिंग ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड प्लेसिंग। और तो यहाँ पर जो सिलेक्टिंग ट्रेनिंग एंड प्लेसिंग है वो स्टाफिंग के अंडर में हम आता है, स्टाफिंग के अंडर में। जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जैसे प्लानिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गए प्लानिंग। देन उसके बाद में आपका जो है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, तो दैट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड स्टाफिंग के अंडर में क्या क्या आता है, तो यहाँ पर ये जो सिलेक्टिंग ट्रेनिंग प्लेसिंग है ये स्टाफिंग के अंडर में हम कैरी आउट करते हैं। जब स्टाफिंग किया जाता है तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा फंक्शन किससे रिलेटेड होता है, तो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड होता है, सिलेक्शन से रिलेटेड होता है, डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, ट्रेनिंग एंड कॉम्पनसेशन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेटिंग है, इट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एंड यहाँ पे ये जो सिलेक्टिंग ट्रेनिंग एंड प्लेसिंग दिया है, दीज आर द पार्ट ऑफ स्टाफिंग, ये सब स्टाफिंग के अंदर कैरी आउट किए जाते हैं। देन प्राइस, पीपल, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। तो प्राइस, पीपल एंड प्रमोशन, प्राइस, पीपल, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट की हम बात करें तो जो लास्ट आप लोगों का चैप्टर है मार्केटिंग वाला, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का लास्ट चैप्टर मार्केटिंग, तो उसमें जो मार्केटिंग मिक्स के अंडर में आप लोगों को 7 P's दिए हुए, 7 P's में से जो प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स है, फोर जो P's है, 4 P's, P's मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो उसमें से यहाँ पर प्राइस, देन प्रमोशन एंड प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर दिया गया। ये जो पीपल है ये सिलेक्ट सर्विस मार्केटिंग के अंडर में आता है, ये सर्विस मार्केटिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स मिक्स का पार्ट है। देर आर 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिसमें से जो 4 P's है, फर्स्ट इनिशियल 4 P's है, वो हम प्रोडक्ट मिक्स को लेकर, हम यहाँ पर प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के 4 P's है। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में देर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, जो कि प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स एंड सर्विस मार्केटिंग मिक्स। तो प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के 4 P's है, तो 4 P's में से यहाँ पर 3 P's दिखाई दे रहे हैं, प्राइस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर प्राइस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, प्लेस नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पीपल है, तो ये जो पीपल है वो सेकेंड टाइप ऑफ मार्केटिंग, दैट इज सर्विस मार्केटिंग मिक्स है, सेकेंड टाइप ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, दैट इज सर्विस मार्केटिंग मिक्स का पार्ट आ गया। तो यहाँ पर ये जो पीपल है ये ऑड वन आउट में आएगा, तो आपका आंसर ऑड वन आउट में आपको पीपल लिखना।